हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज डमकिन डेफिनबेकिया के प्लांट के बारे में बात करेंगे। प्लांट को घना कैसे बनाया जाए, समर में इनकी कैसी देखभाल करें कि हमारे डमकिन के प्लांट बहुत ही हेल्दी बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि डमकिन में बहुत सारी वैरायटी आती है। वैरायटी मतलब ये पत्तियों का वेरिएशन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। इसकी स्टेम एक जैसे ही होती है सभी डमकिन के प्लांट की, डेफिनबेगिया प्लांट की। बस पत्तियों में थोड़ा फर्क होता है और इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर यूनिक लगती है, हटके दिखती है। और ये डमकिन का प्लांट, डेफिनबेगिया का प्लांट एयर प्यूरिफायर है, ऑक्सीजन रिच प्लांट है। ऑक्सीजन रिच प्लांट होने के कारण इन्हें हम अंदर भी रख सकते हैं, घर के अंदर और बाहर भी रख सकते हैं, दोनों जगह इन्हें रखा जा सकता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारे प्लांट खराब ना हो, इनकी ब्यूटी खराब ना हो। तो आप अंदर ऐसे जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। अगर आपने घर के अंदर रख दिया और जैसे डार्कनेस ऐसी जगह पे रख दिया तो ये प्लांट बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ देगा। घर के अंदर आपको इन्हें ब्राइट लाइट देना पड़ेगा तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छे खुश रहेंगे। इसका एक कलर और शाइन बनी रहेंगी। तो विंडो के पास हमेशा रखिए, नहीं आप रख सकते विंडो के पास नहीं है रखने की जगह तो दो चार दिन में सुबह या शाम को एक डेढ़ घंटे के लिए बाहर इन्हें निकालिए, हल्की सी सनलाइट मिले ऐसी जगह आप रखिए एक दो घंटे के लिए, फिर आप अंदर ला सकते हो। ये आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। और बाहर आप रख रहे हो तो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। छन छन के हल्की सी सनलाइट मॉर्निंग की या शाम की मिले ऐसी जगह आप रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समर में ज़्यादा इसे सनलाइट मिलेंगी तो इनकी पत्तियाँ पूरी जल जाएंगी, ब्राउन होके गिर जाएंगी, फिर प्लांट की ब्यूटी खराब हो जाती है। प्लांट खराब नहीं होता है तो डमकिन के प्लांट ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। ज़्यादा सनलाइट ना मिले इसका ख्याल रखिए। ये हो गई इनके लोकेशन की बात। अभी आपको बताते हैं इनका विंटर डॉर्मेंसी पीरियड रहता है और समर में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है, विंटर में भी डॉर्मेंसी पीरियड में भी ये ऐसे ही बने रहते हैं। कुछ पुरानी पत्तियाँ होती है तो निकल जाती है, गल जाती है, तो उससे डरे नहीं। विंटर में ये रेस्ट पे चले जाते हैं, फास्ट ग्रोथ नहीं होती लेकिन प्लांट की ब्यूटी बनी रहती है। अभी बात कर लेते हैं इनके पानी की, इन्हें पानी कब और कैसा दें। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर तो इसकी करनी नहीं पड़ती है, बस आपको हमेशा पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भर भर के या डेली आपने इसे पानी दे दिया तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होगा या कुछ दिन के बाद ख़राब होगा। अगर आपने सॉइल मीडिया अच्छे से भी नहीं बनाया होगा तो हमेशा पानी चेक करके दीजिए। समर में दो तीन दिन के बाद भी पानी दिया तो चलेगा, विंटर में 8-10 दिन पानी मत दीजिए। हमेशा पानी देने के पहले मिट्टी ज़रूर चेक करिए। जब भी आप पानी देते हो आपको एक अंदाज़ा आ ही जाता है कि आपके प्लांट को कितनी पानी की और कब रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको ही समझना पड़ेगा।
फिर से कह रहे हैं, डिपेंड करता है आपने सॉइल मीडिया कैसे बनाया है, उसके ऊपर भी पानी देने का तरीका हमारा बदल जाता है। हमारे ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगे हैं, चिकनी मिट्टी है और पत्तियों की खाद है, वो हिसाब से ही हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि हमारे प्लांट को कब और कितनी ज़रूरत होती है पानी की, तब हम पानी देते हैं। हो सकता है आपको 2 दिन के बाद पानी समर में देना पड़ेगा, 3 दिन के बाद देना पड़ेगा, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट पानी की। तो चलिए अभी सॉइल मीडिया की ही बात कर लेते हैं। इसे सॉइल मीडिया हमने तो चिकनी मिट्टी में लगाया है, अभी आपको बताया है, ये बहुत साल 15-15 साल के हमारे ये प्लांट है, हमें चिकनी मिट्टी की आदत हो गई है, हमारे प्लांट चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, आपको कभी समझ में नहीं आता तो कभी भी इसे चिकनी मिट्टी मत दीजिए। जब भी चिकनी मिट्टी हो तो उसमें रेत ज़रूर मिलाइए। जब भी आप इसे रिपोर्ट करते हो या नया प्लांट आप लाते हो तो उसके लिए आप सॉइल मिक्सर 1 भाग रेत लीजिए, 1 भाग मिट्टी लीजिए, 1 भाग गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद ये डालिए। अगर ये तीनों भी नहीं होंगे तो सूखी पत्तियाँ भी आपने अच्छे से भर भर के डाली तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ बताना भूल गए आपको, साथ साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि सभी प्लांट की पत्तियाँ अलग अलग है, कुछ में वाइट कलर ज़्यादा है, कुछ में येलो कलर ज़्यादा है, कुछ में ग्रीन कलर ज़्यादा है, तो कुछ पत्तियाँ बड़ी है, कुछ छोटी है, तो ये फ़र्क होता है पत्तियों में, बहुत अलग अलग पत्तियाँ इसकी होती है लेकिन स्टेम एक ही रहती है, फिर से कह रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर वेरीगेटेड ये पत्तियों वाला प्लांट होता है डमकिन का। तो चलिए नेक्स्ट टिप आपको बताते हैं, अभी बात कर लेते हैं इनके कंपोस्ट की, कौन सा कंपोस्ट दे। वैसे ये प्लांट को बहुत खाद की ज़रूरत नहीं होती है, एक बात बताना चाहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, हम कभी भी रिपोर्ट करने के बाद इसे कोई भी लिक्विड मैन्यूअर या खाद नहीं देते हैं। जब हमने इन्हें रिपोर्ट किया था, पत्तियाँ डाली थी, तब से बस उसी के ऊपर है, कभी भी हमने इसे 15 साल में कंपोस्ट नहीं दिया है, यह हमारा अनुभव है और आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको साल में 2 बार आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए बर्मी कंपोस्ट, गोबर के खाद का कंपोस्ट या लिक्विड, इनमें से कोई भी आप साल में 2 बार उससे ज़्यादा ना दें तो आप दे सकते हो। अगर आपके प्लांट को ज़रूरत नहीं है, ना भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन आप देख लीजिए पहले कि आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, डलनेस है या नहीं है। तो अगर आपका प्लांट हेल्दी चलता है, देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी खाद, तो मत दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि खाद देने की ज़रूरत है, ग्रोथ रुक गई है, तब आप दीजिए। फरवरी और अक्टूबर महीने में आप खाद दे सकते हो। हम बहुत सारी पत्तियाँ पॉट में भरते हैं और बड़े बड़े पॉट में हमने सभी डमकिन के प्लांट लगाए हैं, बार बार हमसे रिपोर्ट नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े पॉट हम दे देते हैं। तो पत्तियाँ बहुत सारी हमने भरी है, इसलिए 15 साल से हमने कोई भी कंपोस्ट इनको नहीं दिया है। और ग्रोथ देख रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बार हमें इनकी ग्रोथ को रोकना पड़ता है। तो चलिए इन्हें बुशी और घना कैसे बनाया जाए वो आपसे शेयर करते हैं। तो आपको दिल पे पत्थर रखकर एक काम करना होगा, बुरा लगेगा लेकिन करना होगा। तो आपको बुशी और घना बनाना है। देखिए इसकी ये स्टेम बहुत लंबी लंबी हो गई है, देखिए इस तरह से, लेकिन इसकी ऊपर से ग्रोथ बहुत अच्छी है, हेल्दी है, बहुत सारी पत्तियाँ हैं। लेकिन इन्हें अभी आपको बुशी बनाना है तो वहाँ से कट करना होगा। तो जितनी आपको उनकी हाइट रखनी है वो हाइट के हिसाब से कट करिए, 6-7 इंच 10 इंच छोड़ना है तो उस उतना पोर्शन छोड़ दीजिए, उसके ऊपर से आप कट कर दीजिए। वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेंगी और जो भी एक कटिंग निकलेंगी उससे आप नए प्लांट बना सकते हो।
और आपको बड़े पॉट में लगाना है तो एक साथ आप दो तीन कटिंग, तीन चार कटिंग ऐसे लगाइए तो प्लांट बहुत घना दिखेगा। और जब भी उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी तो फिर से उसे कट करिए, तो फिर से वहाँ से न्यू न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। तो फिर ऐसा करते करते आपका प्लांट बहुत ही आने वाले दिनों में घना बनते जाएगा। तो इस तरह से आप प्लांट को घना बना सकते हो। दो तरीके आपको बताए हैं, फिर से दोनों तरीके आपको रिपीट करना चाहते हैं। लंबी स्टेम हो गई तो उसे कट कर दीजिए, वहाँ से दो तीन ब्रांच निकलेंगी। अगर आपको जो कटिंग निकली है दूसरे पॉट में लगाना है, अगर पॉट भी आपको बड़ा देना है तो तीन चार कटिंग लगाइए एक साथ, तो बहुत अच्छा घना प्लांट होगा आने वाले दिनों में। तो ये तरीके आप अपनाइए। तो हमेशा डमकेन को बुशी और घना बना के रखिए, उनकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगती है। जितना घना ये प्लांट रहेगा उतनी इनकी खूबसूरती बढ़ेगी और दिखने में भी बहुत ही अमेजिंग लगेगा। अभी बात कर लेते हैं इनके ऊपर कीड़ों का अटैक होता है नहीं होता है। हमारे अनुभव से और हमारे प्लांट पे आज तक कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है। और बस एक परेशानी बारिश में होती है, काले अस्वल आते हैं, कीड़े आते हैं पत्तियों को खाने वाले। इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, इतनी सुंदर पत्तियाँ कैसे खा जाते हैं पता नहीं, बहुत जल्दी ये खा लेते हैं। तब बारिश के टाइम में आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा। और हर 15 दिन में 20 दिन में बारिश के टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और जब भी आप पानी देते हो तो नॉर्मल पानी का शॉवर अच्छे से करिए, हर पत्तियों पे जाना चाहिए। पत्तियों में जो भी धूल मिट्टी बैठती है वो निकल जाएंगी, तो पत्तियाँ भी अच्छे से सांस लेती है और उनके ऊपर धूल मिट्टी नहीं बैठती है, एक चमक सी आ जाती है। तो हमेशा एक हद प्लांट हो आपके पास तो पत्तियाँ आप कपड़े से भी साफ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो हमें तो पॉसिबल नहीं है कपड़े से साफ करना। तो हम जब भी पानी देते हैं अच्छे से शॉवर ज़रूर करते हैं। और कभी कभी नहीं भी पानी दिया देना है तो भी हम हल्के हाथ से हल्के पानी से शॉवर इन्हें, बाकी प्लांट को पानी देते हैं तो इन्हें शॉवर कर ही देते हैं। धूल मिट्टी कोई भी प्लांट के ऊपर बैठे, डलनेस लगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम हमेशा नॉर्मल पानी का हर प्लांट पे शॉवर करते हैं, बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट बने रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम जिस तरह से हमारे डमकेन के प्लांट की, डेफेनबेगिया प्लांट की केयर करते हैं वही आपसे शेयर की है। हमारा तरीका थोड़ा अलग है जो हम आपसे हमेशा शेयर करते रहते हैं। बाय।